नेक्स्ट थिंग इज पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि ये जो एरिया है ले का, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, इसीलिए बोला जाता है कि पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइंब हायर। लोनर हैड अ टफ टाइम जिगजैगिंग अलॉन्ग नैरो रॉकी माउंटेन रोड्स। एट मेनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल, और कुछ कुछ जगह ऐसी थी वहाँ पे रोड्स बिल्कुल ही नहीं थे। तो ये जिगजैग तरह के ऐसे जो छोटे छोटे जो रोड्स हैं वहाँ से उनकी गाड़ी जा रही थी आगे। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चांगथांग। दिस प्लेस इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5,000 मीटर्स। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे रहने के कारण वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत आती है। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक। तो गौरव इस वजह से उसको हेडेक होने लगा और वो वीक भी हो गया, ठीक है, कमज़ोर हो गया। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीदिंग इन सच एयर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसी वहाँ के माहौल में ढल गया, तो फिर उसे जो प्रॉब्लम हो रही थी वो नहीं हो रही थी बाद में। फॉर मेनी डेज वी केप्ट वॉन्डरिंग इन दिस एरिया विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इन साइट। साइट मतलब नज़र में। बहुत दिनों तक उनको ऐसे हो रहा था कि कोई इंसान वहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहा था। नो पेट्रोल पम्प्स, नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटिफुल लेक्स अराउंड। कोई वहाँ पे ज़्यादा पेट्रोल पम्प नहीं और मैकेनिक नहीं, तो सिर्फ स्काई दिख रहा था, क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटिफुल लेक्स, तालाब दिख रहे थे। मैनी डेज एंड नाइट्स पास्ट, लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड। सडनली वन मॉर्निंग आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड। मैनी शिप एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर। वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे ग्रासी लैंड दिखा उसको, और वहाँ पे बहुत सारे शिप्स मतलब भेड़ बकरियाँ वहाँ पे क्या कर रही थी, ग्रेज कर रही थी, चर रही थी। फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स। आई वॉन्डर्ड हु लिव्ड देयर एंड वॉट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस। और फिर वहाँ पे थोड़ी दूरी पे उसको कुछ टेंट्स दिखाई दिए, तो उसको लगा कि इतनी जहाँ पे कोई इंसान नहीं नज़र आता दूर दूर तक, वहाँ पे ये टेंट क्या कर रहे, कौन रहता है यहाँ पे।